अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन थी, जिस तरीके पे उनके उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इफ यू आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट हम 11-0 उनसे जीते हैं, तो एक रियलिटी ये भी होगी कि हम हारेंगे, कभी ना कभी हारेंगे, चाहे आज हारे, 10 साल बाद हारे, 20 साल बाद हारे या 50 साल बाद हारे, बट ऐसा नहीं हो सकता कि यू विल ऑलवेज कीप विनिंग। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। और आज सारे आलम इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है, हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था, और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो गाइज, आप देख रहे हो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं, जो लीजेंड हैं, वो अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। शेख रशीद जैसे लीडर्स की तो बात अलग है, वकार यूनिस को आप जानते होंगे शायद, मैंने तो नहीं देखा उनको लाइव खेलते हुए, आपने भी नहीं देखा होगा, बहुत सारे जो आज के यंग बच्चे उन्होंने नहीं देखा होगा लाइव खेलते हुए, लेकिन जो आपके बड़े घर में होंगे, जो आपके चाचा वगैरह होंगे, उन्होंने देखा होगा, बताया होगा कि वकार यूनिस काफ़ी ज़बरदस्त प्लेयर थे। हालांकि मैंने उनकी एक इनिंग देखी थी, मतलब 96 में जो उन्होंने लास्ट के ओवर डाले थे अजय जडेजा के खिलाफ, वो इनिंग देख के मजा आया, लेकिन उसके HD वीडियो नहीं मिले, क्योंकि वो अजय जडेजा उस टाइम पर हेलीकॉप्टर और हार्दिक पांड्या जैसे पीछे आके छक्के मार रहे थे, बहुत ज़बरदस्त गेम था वो। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, मतलब हिटरेट है, अंदर से है, और ये कभी ना कभी जवान पे आ ही जाती है। शोएब अख्तर के आपने वीडियो देखे होंगे, गजवाए हिंद पर, गजवाए हिंद ये होगा वो होगा, फिर से एक बार हिंदुस्तान पे कब्जा होगा, गजवाए हिंद आपको पता है, उस तरीके की वीडियो। एक जीत से पाकिस्तान बिल्कुल मतलब पागल हुआ पड़ा है, अब क्या बोलूँ मैं भाई, मैच है, कोई ना कोई जीतेगा। MS धोनी 2016 में बोल चुके थे कि कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, ये रिकॉर्ड कभी ना कभी तो टूटेगा, ऑब्वियसली एक सच बात है। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान की मीडिया में मतलब एकदम पागलपन छाया है, और बनता भी है भाई, टीम को सेलिब्रेट करो आप, रिलीजन को लेकर आ जाओ। एक समी को लेकर मेरे हिसाब से कुछ ओवर हो गया इंडिया में। 28 से 29 कमेंट हैं, और आप देखोगे उनके 0-0 फॉलोवर हैं, कुछ के 10-20 फॉलोवर हैं, वो लोग आके आपको भी पता है गुस्से में, इमोशन में, आदमी माँ बहन जात पात सब कुछ भूल जाता है, अपना बड़ा छोटा सब कुछ भूल जाता है, और गाली वगैरह देने लगता है। तो इमोशन तो हाई थे इंडियंस के, अब वो बोलने लगे। अगर विराट कोहली का नाम मिराज कोहली होता मतलब वो मुस्लिम होता, तो ऑब्वियसली आज तो मतलब आज क्या, इंडिया पिछले 5-10 साल से दुनिया का सबसे गंदा मुल्क हो जाता माइनॉरिटीज के हिसाब से। मतलब मैं इसके पीछे लॉजिक क्या दे रहा हूँ, लॉजिक ये दे रहा हूँ कि विराट कोहली के आपको पता है ओवरऑल अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखे जाए, मुझे लगता है 150 या 200 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर है उसके, भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी, दुनिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी आई थिंक क्रिकेट में है, और सेलिब्रिटी फॉलोवर के मामले में इंस्टाग्राम सब कुछ अगर काउंट करें आप, तो उसको 2015 या उससे पहले से इतनी गालियां पड़ रही हैं कि समी का मतलब वो पॉइंट जीप मतलब है ही नहीं, उस कंपेयर ही नहीं बनता। विराट, रोहित, KL, इनको तो अभी नंबर आया। विराट का आपको याद होगा 2015 के सेमीफाइनल के बाद अनुष्का, उसके बाद मैच देखने नहीं आई, उसने मतलब पोस्ट किया था कि भाई फैमिली को गाली मत दो, इसको मत दो। तो आपको भी पता है यहाँ पे क्रिकेट का पागलपन किस तरीके का है, किस तरीके से मतलब आज तो वो पाकिस्तान का जो विकेट कीपर है रिजवान, जिसने ओपनिंग में रन बनाए थे, वो भी आके मतलब मोहम्मद समी पर इंडिया को लेक्चर देने लगा, रिस्पेक्ट योर स्टार। भाई ज़्यादा हो गया है, कुछ ज़्यादा हो गया, इंडिया क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर ने भी कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट कर दी है। कुछ आकाश चोपड़ा जैसे लोग मतलब फोटो लगा ली, भाई ठीक है, ये होता है यार, इमोशन में लोग कहते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें लोगों ने ये भी बोला कि काश मोहम्मद समी की जगह मोहम्मद सिराज होता। मतलब आपको भी पता है कि ये चीज़ें निकलती हैं। अब लेकिन ये चीज़ें आप वकार यूनिस, ये चीज़ें हाइड हो रही हैं, पाकिस्तानी ये चीज़ हाइड कर रहे हैं बड़ी आसानी से। जो इंडिया में फायर क्रैकर हुए थे, ऑब्वियसली हुए थे, लेकिन उसमें सारे मुसलमानों को आप दोष नहीं दे सकते हो। अब कुछ मुसलमानों के अंदर से है कि भाई हमें फोड़ना है, कुछ भी हो जाए हमें फोड़ना है, क्या कर लोगे, फोड़ना है जाओ,
हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते क्या कर लोगे, तो वो फोड़ देंगे फटाके बस। बहुत सारे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ये भी ऑब्वियसली सच बात है। मान लो कोई किसी बंदे ने, अब क्या बोलूँ यार, ज़्यादा हो जाएगा, तो आप समझ सकते हो दोस्तों, अब ये कंडीशन है। अभी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया में मतलब हेट्रेड वाले वीडियो आ रहे हैं, जिनको मैं अगर अपलोड करता हूँ और उसमें ऐसा कुछ है कि वो बस वही ज्ञान देंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि तुम्हें हर वक्त अपनी लॉयल्टी पेश करनी पड़ेगी अगर तुम हिंदुस्तान में रुकोगे। अगर ये सब होता तो भारत के मुसलमान 25 करोड़ ना होते। 25 करोड़ होने के बाद इतने मतलब हर स्थान में भारत के मुसलमानों ने अपना मुकाम बनाया है, और मतलब ऐसा नहीं है, हिंदू सोसाइटी के साथ रहकर बनाया ना, ये बात भी सच है। तो फिर उसे नीचे ना कर दिया जाता कि भाई इसको क्यों बढ़ने दे रहा हूँ, मतलब ये क्या फालतू की बात करते हो यार। और इंडिया में भी आपको भी पता है विक्टिम कार्ड को लेकर ऑब्वियसली बहुत खेला जाता है विक्टिम कार्ड। समझदार मुसलमान है प्लीज़ अच्छे से कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट अगर आप गाली गलौज करेंगे ऑटोमेटिकली यूट्यूब आजकल डिलीट कर देता है, हल्की फुल्की भी गाली भी वो खट से डिलीट करता, आपका कमेंट शो ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप आगे देखते हैं, शेख रशीद का भी एक क्लिप डालता हूं मैं, हालांकि मैंने ये वीडियो डाला है, मतलब शेख रशीद बोल रहे हैं कि ये इस्लाम की जीत है, आलम इस्लाम मतलब सारी इस्लामी दुनिया की जीत है। तो भैया इससे पहले जितने इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहे थे वर्ल्ड कप में, वो मतलब इस्लाम की हार थी। अगर कल पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच खेलता है, सपोज करें पाकिस्तान हार जाता है या अफगानिस्तान हार जाता है, तो ये बोलोगे कि ये गुड तालिबान की जीत थी बैड तालिबान पे, या बैड तालिबान की जीत थी, मतलब क्या क्या बोलोगे क्या। कल आज अगर अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ पड़ा है, अच्छा खेला न्यूजीलैंड वाले, शायद 0 विकेट है, एक भी विकेट नहीं गिरा इनका। तो मतलब ये लोग अगर हार जाते हैं पाकिस्तान, तो क्या क्रिश्चियन की जीत हो जाएगी भाई, क्या क्या है ये चीज़। मतलब पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि इंडिया में अगर जो अभी हाइपर नेशनलिज्म के साथ साथ जो एक हिंदुत्व और ये सब वर्ड आने लगे हैं कि हिंदू क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह जो ये लोग हैं, ये कितने साल से, अब उनका रिएक्शन निकलेगा, ये रिएक्शनरी है। आपको भी पता है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं थी, इतना हम मतलब नहीं सोचते थे। अब ऑब्वियसली सोशल मीडिया के, अब शोएब अख्तर के बारे में हम कैसे सोचेंगे यार, शोएब अख्तर की इंडिया में इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, लेकिन अगर जिस बंदे ने उसका गजवाए हिंद और ये सब चीज़ें देख ली, तो यार कहेंगे यार कैसा बंदा है यार, इसको तो मैं बहुत पसंद करता था, इसका कॉपी करने की कोशिश करता था। वकार को ऐसा सोच लेंगे, वकार का है मतलब क्या हेट्रेड, क्या कि हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ ली और उनको हरा दिया, तो मतलब क्या तुमने, क्या मतलब क्या बोलूं यार मैं इसको, क्या टॉपिक बोल क्या बोलूं, मतलब आप समझें, आप खुद समझ सकते हो कि रिलीजन को लेके ही आना यार चीज़ में। तो गाइज मुझे पता है कि कई लोग मेरा वीडियो बोलते हैं कि भाई तू क्या बीच में बकवास करता है, भाई प्लीज़ स्किप करो यार वीडियो, आप स्किप करके सॉलिड कट कर दो, मत देखो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जय हिंद। और अभी पाकिस्तानी मीडिया में मुझे कुछ पॉजिटिव कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो अपलोड करने की इच्छा नहीं हो रही है, बस उनका वही हेट्रेड इस्लाम की जीत यही सब चल रहा है। तो ये सब मतलब अगर चीज़ें मैं ज़्यादा अपलोड करूँगा तो हो सकता है कि यहाँ के एक प्रकार से वो यहाँ के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश भी करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है, मतलब उनके हिसाब से कि यहाँ के मुस्लिम भड़कें और ये सब फालतू की चीज़ें करें।